जैसे उलुखल में मुसलादि का अभिघात शब्दजनक संयोग प्रयत्न विशेष की अपेक्षा करता है, अतः चैतन्य के अभाव में आत्मा को जड़ ही मानना होगा। अपने संबंधियों से संबंधित होकर ही समवाय की अर्थ क्रियाकारी मानना होगा। वस्तुतः पराश्रित या गौण रूप से रहने वाले पदार्थ को गुण कहते हैं। कारण तत् सर्वत्र एक है। गंधादि गुण ही परस्पर संहत होकर पृथिव्यादि रूप हो जाते हैं। वही धूमादि पदार्थ भिन्न होने पर सापेक्ष है, क्योंकि नित्य पदार्थों का कोई आश्रय ही नहीं होता, क्योंकि द्रव्य की पहले सिद्धि होती है और गुण की पश्चात, कारण से अतिरिक्त कार्य होती ही नहीं। कारण तत्व से पीछे कार्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है। आत्मा और आकाशादि का नित्य संयोग अप्राप्ति पूर्वक नहीं, जिस क्षण में पट की उत्पत्ति होती है उसी क्षण में तंतुओं के साथ उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु कार्य कारण का ही एक अनिर्वचनीय, जो कारण से भिन्न या अभिन्न नहीं कहा जा सकता, ऐसा परिणाम विशेष पर्यवसित होता है। संयोग भी अपने संयोगियों से अतिरिक्त नहीं, तब कार्य और कारण का संयोग भी क्यों कर होगा? भाष्कार यही कह रहे हैं, नापि संयोगस्य संभव संभवायस्य वा। दो अंगुलियों का संयोग दोनों अंगुलियों से भिन्न नहीं, अपितु निरंतर देश में अवस्थित अंगुलियों का स्वरूप है। इसी प्रकार दधि और कुंड का संयोग दधि और कुंड के उत्तराधर भाव से भिन्न नहीं। यहाँ संलेश शब्द का अर्थ संग्रह है, जिसके कारण एक संबंधी के आकर्षण से अन्य संबंधी का आकर्षण होता है। अर्थात कार्य और कारण का भेद सिद्ध होने पर उनका आश्रया श्रयी भाव संबंध सिद्ध होगा, और आश्रया श्रयी भाव सिद्ध होने पर कार्य और कारण का भेद सिद्ध होगा। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण इन चार प्रधान दिशाओं में ऊर्ध्व और अधः दिक् को मिला देने पर छह चार प्रधान दिशाओं में आग्नेयादि चार कोणों को जोड़ देने पर आठ, एवं इन आठों में ऊर्ध्व और अधः को संकलित करने पर 10 दिशाएं संपन्न होती है। अर्थात वैशेषिक जिस पृथ्वी आदि प्रपंच को पारमार्थिक मानते हैं, उसका पहले स्थूल रूप नष्ट होता है, फिर उसका सूक्ष्म रूप, और फिर उसका समान जातीय सूक्ष्मतम रूप नष्ट होता है। फलतः परम कारणीभूत ब्रह्म तत्व तक समस्त परमाणादि प्रपंच नश्वर है, उसका कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ नित्य नहीं। समस्त कार्य अपने अवयवों के विभाग से नष्ट होता है, परमाणु निर्यव है, अतः उसका नाश क्यों होगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि अवयवों के विभाग से ही पदार्थों का नाश होता है, क्योंकि जैसे जमा हुआ घृत और सोने का टुकड़ा अग्नि के संबंध से पिघल जाता है, वैसे ही अवयव विभाग के बिना ही कार्य नष्ट हो जाता है। भाष्कर यही कह रहे हैं, जैसे गुंथे हुए आटे का पेरा वाटी अग्नि में रख देने से अवयव विभाग के बिना ही फूल कर अश्व की टाप के समान पुरोडास का रूप धारण कर लेता है, वहां पहले का पिंडाकार नष्ट होता और पुरोडास उत्पन्न होता है, किंतु
किंतु पिंड के अवयवों का संयोग नष्ट नहीं होता, जैसा का तैसा बना रहता है। केवल वह पिंड फूल कर विशाल हो जाता है। इसी प्रकार अग्नि के संबंध से सुवर्णादि द्रव्यों के अवयव जैसे के तैसे संयुक्त रहकर केवल तरल हो जाते हैं, उनके अवयव विभक्त नहीं होते। ठीक वैसे ही परमाणु द्रव्य भी अवयव विभाग के बिना ही पुराने नष्ट होते और नए उत्पन्न होते रहते हैं। संगति, वैशेषिक और बौद्ध दोनों ही क्षण प्रक्रिया के पक्षपाती हैं। उनमें इतना अंतर अवश्य है कि वैशेषिकरण परमाणु आकाश दिक् काल आत्मा मन सामान्य विशेष समवाय एवं परमाणु परिमाण आदि कतिपय गुणों को नित्य मानकर शेष प्रपंच का निरन्वय विनाश मानते हैं, अतः वे अर्धवैनाशिक कहे जाते हैं। प्रतिपत्ति के भेद से बाद अभिवदन का भेद नैसर्गिक है, अतः वादी गणों के भेद से कतिपय बौद्धाचार्य सौत्रांतिक और वैभाषिक सर्वाशिष्टत्वात् को ही अपना सिद्धांत मानते हैं। अन्य आचार्य योगाचार्य ज्ञान मात्रास्तित्व और कुछ आचार्य माध्यमिक सर्वशून्यत्व के संस्थापक माने जाते हैं, किंतु बौद्धाचार्यों का प्रतिपत्ति भेद संभव नहीं, क्योंकि वे सभी आचार्य तत्वदर्शी और सर्वज्ञ होते हैं। तत्व यदि एक है तब सभी तत्वदर्शियों को एकाकार ही प्रतिपत्ति होगी, अतः प्रतिपत्ति भेद को सिद्धांत भेदक न मानकर कहा है। आचार्य अपने विनयों शिष्यों की क्षमता के अनुसार एक ही वस्तु का उपदेश भिन्न भिन्न रूपों में क्या करता है। प्रज्ञाकार गुप्त कहते हैं, निकृष्ट मध्यम और उत्कृष्ट तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। उनमें जो निकृष्ट अधिकारी हैं उनके लिए सर्वाशिष्ट वाद, जो मध्यम हैं उनके लिए ज्ञान मात्रास्तित्व वाद, तथा जो उत्कृष्ट उत्तम शिष्य है उनके लिए साक्षात सर्वशून्यता का उपदेश करके सभी शिष्यों को सुनता के पवित्रतम स्रोत में आपन किया गया है। लोकनाथ भगवान बुद्ध की देशना उपदेश या शिक्षा मनुष्यों की चैतासिक योग्यता के अनुसार वैसे ही प्रवृत्त हुई है, जैसे एक सुयोग वैद्य रोग के अनुसार ही रोगियों को औषध प्रदान करता है। बुद्ध घोष ने अपनी सम्मत पाशादिका नाम को बटु कथा में समस्त त्रिपिटक के लिए यही कहा है। इस भाष का यह भी स्पष्ट अर्थ किया जाता है कि चारों प्रकार के परमाणुओं में पार्थिव परमाणु कठिन स्वभाव के, ठोस जलीय परमाणु स्निग्ध स्वभाव के, तेजस परमाणु उष्ण एवं वायु के परमाणु क्रियावात होते हैं। पार्थिव परमाणुओं का संघात समूह पृथ्वी, जलीय परमाणुओं का पुंज जल, तेजस परमाणुओं का समुदाय तेज और वायवीय परमाणुओं का संघात वायु है। वैशेषिक गणों का कहना है कि पार्थिव परमाणु में रूप रस स्पर्श और गंध ये चारों गुण होते हैं, किंतु जलीय परमाणु में रूप रस एवं स्पर्श तीन गुण, तेजस परमाणु में रूप एवं स्पर्श दो तथा वायु के परमाणु में केवल एक स्पर्श गुण होता है। सभी परमाणु नित्य हैं, अपने अपने परमाणुओं के द्वारा पृथ्वी आदि का आरंभ होता है। जैनों के आगम ग्रंथों में सभी चार प्रकार के परमाणु माने गए हैं, द्रव परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु और भाव परमाणु। पृथ्वी आदि चार भूतों के परमाणु द्रव्य परमाणु कहलाते हैं। परमाणुओं को एकांतिक नित्य ना मानकर नित्यानित्य माना जाता है। परमाणु पोगले सिय सास
असा अने कांतवादियों का शाश्वत और अशाश्वत उभय रूप मानना न्याय संगत ही है। प्रत्येक द्रव परमाणु में एक रस, एक गंध, एक वर्ण और दो स्पर्श होते हैं। ये परमाणु ही पृथ्वी आदि चारों भूतों के कारण हैं। पृथ्वी का व्यापार, धृति धारण करना, जल का कार्य, संग्रह समूहन, तेज का कर्म पकाना और वायु का काम प्रसर्पण है। पृथ्वी का खड़ ठोस, जल का स्वेहन, तेज का उष्णता और वायु का इरण गति प्रदान करना स्वभाव है। अर्थात उंगली के निर्देश या स्पर्श से जो वस्तु दिखाई जा सके या कुछ स्थान घेरे उसे रूप कहते हैं। चक्षुरादि पांच ज्ञानेन्द्रिय और उनके रूप शब्दादि विषयों का पुंज रूप स्कंध कहलाता है। वेदना स्कंध इष्ट या अनिष्टादि विषय का संबंध होने पर जो सुखाकार दुखाकार या सुख दुख रहित उपेक्षा भावना रूप चित्त की स्थूल अवस्थाएं अनुभूतियां उत्पन्न होती है उन्हें ही वेदना स्कंध कहते हैं। संज्ञा शब्द से शब्द का ग्रहण ना करके सम्यक ज्ञान अर्थ करते हुए कहा है। संस्कार स्कंध राग द्वेषादि क्लेश मद मानादि उपक्लेश और धर्माधर्म ये सब मिलकर संस्कार स्कंध कहे जाते हैं। स्कंध शब्द समुदाय या राशि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात स्कंध शब्द का राशि समूह, आयतन शब्द का आय द्वार एवं धातु शब्द का गोत्र अर्थ किया जाता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक कार्य का सिद्धांत कथित परमाणु हेतुक और स्कंद हेतुक विविध समुदायों में समुदाय भाव की प्राप्ति संभव नहीं। अर्थात उक्त समुदाय अयुक्त है, समुदाय युक्त क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है समुदायी नाम चेतनत्वात्। आशय यह है कि लोक में कुलालादि चेतनकर्ता ही मृत का चक्र और दंडादि साधनों के द्वारा समुदायात्म घटादि कार्यों की रचना करता देखा जाता है। कुशलादि चेतन अधिष्ठाता के बिना मृतका और चक्रादि जड़ साधन वर्ग अपने आप घटादि कार्यों का संपादन नहीं करता और कुविंदादि के बिना तंतु तुरी बेमादि अपने आप पट को बुनते नहीं देखे जाते। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक कार्य का उत्पादन अपने अनुकूल कारण कलाप से ही होता है अन्यथा नहीं। कार्य के अनुगुण कारण कलाप का संकलन करना किसी चेतन पुरुष का ही कार्य है। यहाँ चेतनाधिष्ठितत्व व्यापक और अचेतनत्व व्याप्य है। व्याप्य के अभाव में व्यापक का अभाव ही हो जाता है। फलतः केवल परमाणुओं या स्कंधों का समुदाय उत्पन्न नहीं हो सकता। शंका यह सत्य है कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति चेतनकर्ता के अधीन ही होती है। बौद्ध सम्मत चित्त भी चेतन ही माना जाता है। इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध हो जाने पर वह चित्त अभिज्वलित सक्रिय हो जाता है एवं जरात्मक साधन कलाप का अधिष्ठाता बनकर समुचित कार्यों का अभिनिवर्तन किया करता है। दूसरी बात यह भी है कि आसे रते अस्मिन् कर्मानु भववासना इत्याशयः। इस व्युत्पत्ति के द्वारा आशय शब्द जिस चित्त को कहता है वही बौद्धों का विज्ञान स्कंद और योगाचार का आलय विज्ञान है। आलय विज्ञान के स्वरूप का रेखांकन लंका अवतार सूत्र में ही हो चुका था।
अर्थात समस्त बाह और आभ्यांतर प्रपंच इस विज्ञान का परिणाम प्रतित्य समुत्पाद या विवर्त है। इसकी तीन विधाएं हैं, विवाक मनोविज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। शंका, आलय विज्ञान क्षणिक होने पर भी एक संतान धारा के रूप में प्रवाहित है, अतः उसमें पूर्वापर का अनुसंधान नेतृत्व उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि आचार्य वसुबंधु कहते हैं, तत्वर्तते स्रोत सौधवत, जैसे जल की उत्तरोत्तर तरंग पूर्व पूर्व तरंग से उत्पन्न होकर एक धारा के रूप में समुद्र पर्यंत प्रवाहित होती है, वैसे ही आलय विज्ञान की क्षण धारा भी निरंतर हेतु फलभाव के रूप में तब तक प्रवाहित रहती है जब तक निर्वाण का लाभ नहीं होता। सर्वास्ति वाद वाद में प्रधान कारण को हेतु और सहायक साधन को प्रत्यय कहते हैं, जैसे अंकुरादि कार्यों का बीज हेतु और क्षेत्र सलिलादि प्रत्यय कहे जाते हैं। किसी मत में प्रत्येक कारण को हेतु और कारण समूह को प्रत्यय कहा जाता है। हेतु निबंधन, बीज से अंकुर, अंकुर से पत्ते, पत्तों से कांड, कांड से नाल, नाल से गर्भ, गर्भ से सूख, सूख से पुष्प और पुष्प से फल उत्पन्न होता है। बीज के न होने पर अंकुर आदि परंपरा फल पर्यंत नहीं होती। वहाँ बीज के मन में यह ज्ञान या भान नहीं होता कि मैं अंकुर को उत्पन्न करता हूँ, और अंकुरादि को भी यह भान नहीं होता कि हम बीज के द्वारा उत्पादित हैं। इसी प्रकार अंतिम कारणभूत पुरुष को यह ज्ञान नहीं होता कि मैं फल को जन्म देता हूँ, और ना फल की वह प्रतीति होती है कि मैं पुष्प से जन्मा हूँ। फलस्वरूप किसी चेतन तत्व की सत्ता के बिना ही कार्य कारण भाव का नियम देखा जाता है। यह है हेतुप निबंधन प्रतित्य समुत्पाद। हेतुओं के समूह का नाम प्रत्यय है, हेतु हेतु प्रति अयंते हेत्य हेत्यंत रानी, इस व्युत्पत्ति के द्वारा प्रत्यय पद समूहार्थ में यौगिक है। पृथ्वी आदि छह धातुओं के समूह रूप बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। वह अंकुर में पृथ्वी धातु से काठिन्य, जल धातु से स्नेह, तेजो धातु से परिपक्वता, वायु धातु से निसरण, आकाश धातु से अनावरण और काल धातु ऋतु से परिणति प्राप्त होती है। इस प्रकार छह धातुओं के समुदाय से अंकुरादि कार्यों का अभिनी वर्तन होता है, किंतु वहाँ पृथ्व्यादि धातुओं के मन में ऐसा भान कभी नहीं होता कि हम कुछ कर रहे हैं, और न अंकुरादि कार्य वर्ग को ही यह ज्ञान होता है कि हम प्रत्ययों से संपादित है। परिदेवन दुख दौर्मन स्यादि कार्य होते हैं। जाति जन्म यदि नहीं होती तब जरन मरण नादि भी नहीं होते। यहाँ भी अविद्या के मन में यह विचार नहीं उठता कि मैं संस्कारों को जन्म देती हूँ। संस्कारों में यह स्फुरन नहीं होता कि हम अविद्या के द्वारा उत्पादित हैं। यहाँ तक कि जरा मरणादि को भी यह ज्ञान नहीं होता कि हम जात्यादि से पैदा हुए हैं, फिर भी किसी चेतन तत्व के द्वारा अनधिष्ठित अविद्यादि से संस्कारादि कार्यों की निष्पत्ति देखी जाती है। इसी प्रकार बीजादि भी न चेतन हैं और न चेतनांतर से अधिष्ठित, फिर भी उनसे प्रपंच की रचना होती है। आध्यात्मिक प्रत्ययोप निबंध प्रतित्य समुत्पाद का स्वरूप यह है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और विज्ञान इन छह धातुओं के समूह से शरीर उत्पन्न होता है। शरीर में पृथ्वी काठिन्य काठिज्ञ, जल स्नेह तेज परिपाचन, वायु श्वास प्रश्वास, आकाश शरीर के अंदर पोल अवकाश का निर्माण करता है।
जो नाम रूपात्मक अंकुर को उत्पन्न करता एवं प्रवृत्ति विज्ञान रूप पांच विज्ञान कार्यों से संयुक्त सास्रव मनोविज्ञान को जन्म देता है वह विज्ञान तत्व है। पृथ्वी आदि आध्यात्मिक धातु अविकल होते हैं, तब सभी के समूह से शरीर की उत्पत्ति होती है, किंतु पृथ्वी आदि धातुओं के अंदर यह स्फुरन नहीं होता कि हम लोग शरीर में काठिन्यादि धर्मों का निर्माण करते हैं। शरीर भी यह अनुभव नहीं करता कि हम पृथ्वी आदि से अभी निवर्तित है, केवल चेतनांतर द्वारा अंधिष्ठित जरात्मक पृथ्वी आदि धातुओं से उसी प्रकार शरीर का निर्माण होता है जैसे बीज से अंकुर। इसका अपलाप या अन्यालरण नहीं किया जा सकता। इन छह धातुओं के समुदाय में जो एक पिंड संज्ञा, नित्य संज्ञा, सुख संज्ञा, सत्व संज्ञा, पुद्गल संज्ञा, मनुष्य संज्ञा, माता दोहतादि संज्ञा, अहंकार ममकार संज्ञा प्रसिद्ध है, वह संसार रूप अनर्थ परंपरा की मूल कारणीभूत अविद्या है। उस अविद्या से विषयों में राग द्वेष मोहादि संस्कार प्रवृत्त होते हैं। वस्तु विषयनी विज्ञप्ति का नाम विज्ञान है। विज्ञान से उत्पन्न चार वेदनादि अरूपी स्कंध नाम कहलाते हैं, उनके आधार पर रूप स्कंध का निवर्तन होता है। इन दोनों की एक विद्या प्रसिद्ध है। नाम रूप शरीर की कलल बुद्धुदादि अवस्थाएं और नाम रूप मिश्रित इंद्रिय खदायतन हैं। ज्ञान विषय और इंद्रिय इन तीनों का सन्निपात स्पर्श है। स्पर्श से सुख दुख और उपेक्षा रूप त्रिविध वेदना होती है। वेदना से कर्तव्य में तत्सुखं मया इस प्रकार की अध्यवसाय रूप तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा से शारीरिक और वाचनिक चेष्टात्मक उपादान और उपादान से भव उत्पन्न होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस व्युत्पत्ति के द्वारा धर्म और अधर्म का नाम भव है। धर्माधर्म के द्वारा स्कंधों का प्रादुर्भाव जाति है। जरा मरणादि उत्तरभावी अवस्थाएं जन्म हेतुक है, क्योंकि उत्पन्न स्कंधों का परिपाक जरा और स्कंधों का नाश मरण है। मर रहे मूल व्यक्ति को पुत्रादि के वियोग का अंतर्दाह शोक है। शोक जनित प्रलपन रोना पीटना परिदेवना है। पंच विज्ञान का प्रतिकूल वेदनीय पदार्थ दुख और मानस दुख दौर्मनस्य है। इस प्रकार के दुख उपायास उपक्लेश हैं, ये सभी परस्पर हेतुक हैं, अर्थात जन्मादि हेतुक अविद्यादि और अविद्यादिक हेतु जन्मादि जैसे ही होते रहते हैं। जैसे घटी यंत्र कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए छोटी छोटी घटकाओं से निर्मित चक्राकार बरहट लोक प्रसिद्ध अविद्यादि के द्वारा एक संघात की कल्पना की जाती है। उक्त कारण कलाप में किसी एक कारण से ही जब कार्य हो सकता है तब अन्य कारणों के समूहन की क्या आवश्यकता। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी एक कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है यही सिद्ध नहीं, क्योंकि सर्वत्र कारण समूह से ही कार्य संपन्न होता देखा जाता है, क्योंकि वे जरात्मक कारण ऐसी विवेक बुद्धि नहीं रखते कि अपनी सन्निधि को निरर्थक समझकर उदासीन हो जाएं, अपितु चेतन सापेक्ष कारण समूह से कार्य होगा जैसा कि स्वयं धर्मकृति ने माना है। कोई एक कार्य किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होता, अपितु सामग्री कारण समूह से कार्य संपन्न होता है। हाँ, एक कारण अन्य कारणों की सहायता से अनेक कार्य करता है, एक अकेला नहीं। कथित कारणों का समूह या समवधान किसी कारणों के क्रम और उपयोग प्रकार के अभिज्ञ पुरुष की अपेक्षा करता है। अनादो संसारे ऐसा कहकर बीज वृक्ष के अनादि प्रवाह की ओर संकेत करते हुए अन्योन्याश्रय दोष निवृत्त किया जाता है।
क्योंकि कोई भी भोग पदार्थ ना तो अपने भोग के लिए होता है और ना अन्य भोग के लिए, अपितु अपने से भिन्न किसी भोक्ता के लिए ही भोग पदार्थ हुआ करता है। अर्थात अविद्यादि 12 पदार्थ परस्पर एक दूसरे की उत्पत्ति के ही निमित्त है। कार्य मात्र के 4 प्रत्यय कारण माने जाते हैं। कार्य के उपकारक पदार्थ को प्रत्यय कहते हैं। प्रतिसंख्या एक विवेक ज्ञान है। मोक्षकालीन इस क्लेश निरोध की यह विशेषता है कि वहाँ भावी क्लेशों को कभी उत्पन्न नहीं होने देता, जबकि यह बौद्ध सिद्धांत है कि उत्पन्न मात्र वस्तु सहजः ही निरुद्ध नष्ट हो जाती है। अर्थात जल बिंदु और सिंधु सागर में अनुस्यूत जलरूपता का भेद नहीं, अतः बिंदु के नष्ट होने पर भी जलरूपता सागर में प्रत्यभिज्ञात होती है। विवक्षित अनुमान का आकार अभोग में इस प्रकार है। फलतः निरन्वय विनाश कहीं भी सिद्ध नहीं होता।